इंदौर नगर निगम द्वारा बरसात के पहले शहर के पुराने और जर्जर भवनों को गिराने की कार्यवाही की जा रही है। आज इंदौर के छावनी संयोगितागंज क्षेत्र में जर्जर मकान को तोड़ने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में निगम का बड़ा अमला भी साथ था। कोई विवाद न हो इसके लिए पुलिस भी मौजूद थी। ये मकान भानु प्रताप का है और लगभग 50 सालों से बना हुआ था। आज निगम की टीम द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही में 2 JCB और 1 पोकलेन मशीन द्वारा मकान तोड़ा गया। रहवासियों ने आरोप लगाया कि निगम द्वारा ये कार्रवाई गलत तरह से की गई है, क्योंकि नीचे का कमरा कोई जर्जर हालत में नहीं था। इसमें किराएदार निवास कर रहे थे, लेकिन निगम की टीम ने उसे भी तोड़ दिया। इस दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए क्षेत्र पार्षद भी विवाद करने पहुंच गए। मकान खतरनाक घोषित था, अति खतरनाक भी नहीं था, और हमारी ऐसी अधिकारी से बात हुई थी कि जो नीचे किराएदार रहता है उसको बचाते हुए मकान तोड़ा जाए, गरीब है और उसका रहने का कोई अन्य कोई साधन नहीं है, तो हमारी ऐसी इच्छा थी कि ऊपर से इसको तोड़ते हुए लाते हैं और नीचे का कमरा बचा दिया जाए। और मकान तोड़ने के बाद उसको बनाना वो कोई नियमानुसार नहीं हो सकता है, इसलिए हम ये चाह रहे थे कि उसको ऊपर से तोड़ते हुए जाए और नीचे जिस कमरे में गरीब परिवार रहता है उसको रहने दिया जाए। नहीं, आरोप नहीं लगाया मैंने ऐसा, उसमें मेरा जब मकान नीचे से टूटता है तो शंका को जन्म देता है, ऊपर से टूटते हुए आए और कमरा बचा दें अपन तो शंका को जन्म नहीं देता। ये मकान जर्जर मकान की कार्रवाई है और ये G+2 का एक जर्जर मकान था जो कि लगभग 30 फीट बाई 40 या 50 फीट 30 बाई 50 का मकान था ये, और काफ़ी पुराना बना हुआ। आप अगर देखेंगे तो देखेंगे कि अभी भी इसकी दीवारें वगैरह फट गई हैं। तो ये बहुत दिनों से शेड्यूल में था और इनको लगातार नोटिस दिया जा रहा था कि अगर आप चाहें तो स्वयं गिरा लें और जो हिस्सा ये चाहते थे कि ये छोड़ दिया जाए वो आप बचा लें। इस तरह के जर्जर मकानों पर कार्रवाई का अपर आयुक्त महोदय श्री चौधरी साहब ने निर्देश दिए कि तत्काल 12 दिन के शेड्यूल में गिराना है। तो अगर हम इस तरह से लोगों के दबाव में स्थगित करते रहेंगे तो हमारा जो शेड्यूल टाइम टेबल है उससे हम पिछड़ जाएंगे, इसलिए हमने जो है ज़्यादा उनकी सुनी नहीं है। और उनका जो भी कहना है उनका, ये उनने कोई बात कही होगी किराएदार से कि हम उनको बेघर नहीं होने देंगे, ये है, तो इसलिए उनका चिंतित होना स्वाभाविक है और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो किराएदार है वो यहाँ काबिज रहा है और उसका यहाँ पर की कब्जा बना रहे। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।